डाउट है तो पूछो किसी को, इफ यू हैव एनी डाउट्स। इनर्शियल फ्रेम में तीन टाइप के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन, रिएक्शन फोर्स। सबको पता है रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स होता है जिसका डायरेक्शन होता है सूडो फोर्स के नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द सिस्टम, द सिस्टम शुड बी सो चोजन सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज। सेकंड स्टेप, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द चोजन सिस्टम, resolve the forces along the probable or actual direction of motion and perpendicular to it, write force equations, take the direction of motion as positive, solve the above force equations, and this is what, whenever you have a choice between inertial and non-inertial frame, always choose non-inertial frame for working. Any doubts in this, all of you, please ask. Hello? No, sir. No? इशिका, हर्षिता, मधुजाब, मरुल, भारतवाज, मयंक, मुस्कान, परी, कोई डाउट नहीं है, है ना इसमें किसी को? ये देखो, ये तुमको कई बार कर चुके हो तुम, इसलिए कोई मतलब नहीं है उसका। कंस्ट्रेंट रिलेशंस, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, चलो ये लिखो, इसको लिखना जरूरी है, ये लिखिए इसको जल्दी से, फिर मैं तुम्हें इसके सवाल सॉल्व करवाता हूँ जिसमें दोनों हो जाएगा, है ना? करो जल्दी से, लिखो इसको बेटा, 1-2 मिनट लगाओ और जैसे ही हो मुझे तुरंत बताओ, ठीक है? Done, all of you? No, sir. Okay, लिखो लिखो जल्दी लिखो, मैं फिर बताता हूँ तुमको, ठीक है? चलिए देखिए इसको। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस ब्लॉक इज पुल्ड विथ अ वेलोसिटी, सॉरी दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, एंड दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ये कहीं जा नहीं रहा है। और हाँ ये भी तो इसको ज्वाइन करना है ना। दिस पुली the larger one is joined to this block, the rear block, block B, and this is the front block. इसका मास है 4 kg, इसका मास है 3 kg, ठीक है। You have to find the acceleration of, when this block is moving with velocity 4 meters per second, find the velocity of 4 kg block. All of you, I hope, understood the question. Yes or no? Hello. हेलो, यस सर, यस, अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट? ठीक है, अब चलो ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी एक्सीलरेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ वेलोसिटी की है। तो क्या बोलता है, आइडेंटिफाई अ फिक्स्ड पॉइंट। सो फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन हियर, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। नाउ आइडेंटिफाई द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो व्हाट आर द मूविंग ऑब्जेक्ट्स हियर? 4 kg block and 3 kg block. Pulleys are attached to the block, so we will consider them to be the part of the block only, right? So we will assign them the positions. So this is XB and this is XA. This is XB and this is XA. Now what is the next step? Write the length of the strings in terms of these assigned lengths. So there is only one string here and this is the string, right? Write the length of this string in terms of XA and XB. So length L is equal to 1, 2, 3, 3 XB है यहाँ पर, ठीक है, और 2 XA है। बेटा इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशंस टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज। तो डिफरेंशिएट किया, dl by dt लिखा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा dxb by dt, ठीक है। अब मुझे बताओ, और ये आ जाएगा 2dxa by dt। अब मुझे बताओ कि वेलोसिटी dxb by dt जो है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B, ये जो dxb by dt है, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? इज xb इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हेन a इज मूविंग फॉरवर्ड? इशिका, विल यू प्लीज टेल मी what will happen to xb when block A moves forward? Will it increase or decrease? Increase, I guess. Sure, this pulley will come towards this block B, will come towards this peg or not? Yeah, it will decrease. So it will decrease, so it is minus vb plus 2va, because xa will increase, it will go away from it na. तो बेटा यहां से vb की वेलोसिटी क्या मिली हमको? ये मिला 2va/3। सो दिस इज 4, नहीं दिस इज 8/3 मीटर्स पर सेकेंड। ये आप सबको समझ में आया है या नहीं आया है? परी, हर्षिता, इशिका, मुस्कान, मधुजा, मयंक, माइनस क्यों लिया? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ xb क्या है, बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है? वो छोटा। xb डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, इसलिए छोटा, इसलिए उसको नेगेटिव लिया। और किसी को कोई डाउट है भाई इसमें तो पूछ लो जल्दी से। हेलो, नहीं है कोई डाउट? चलें आगे। यस सर, यस सर, ठीक है चलो चलते हैं। आओ, वेज कंस्ट्रेंट्स, चलिए लिखिए इसको। डन। यस सर। चलो चलते हैं आगे इसमें। देखो ये मेरा फेवरेट सवाल है वैसे तो, फिर भी देखो यहां पे ये फिक्स्ड वो है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो ग्रे कलर का दिख रहा है तुमको, और यहां पर एक ये वेज निकल के आ रहा है ऐसा, एक ये रॉड निकल के आ रहा है जो कि बहुत ही लंबा सा है, वेज है ये, सिलेंड्रिकल वेज मान लो इसको, सच दैट इट इज रेस्टिंग ऑन its flat portion is resting on this black wedge, right, the triangular wedge. ठीक है, now this is very long, मतलब ये खत्म नहीं होगा कहीं, ठीक है, but it will move in between these two fixes only, है ना। अब क्या होता है, this is angle theta, बोलता है कि when this wedge starts moving downwards with a velocity v1 और v नॉट ले लो जो भी तुमको लेना हो, find this triangular wedge is not a fixed wedge, find the velocity of this wedge, बोलता है find the velocity of the triangular wedge। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया है? हेलो। Yes. This is an infinite rod, very long rod, right? Cylindrical wedge. आप लोग करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है वो स्टेप्स पढ़े हैं, आप लोग करेंगे इसको सॉल्व, करके दिखाइए जरा। कल किसी ने मुझे भेजा नहीं कि सर हमने आज 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने बोला था एक ग्रुप में पोस्ट कर दिया करो, बहुत गलत बात है ये। एनी आंसर्स? कोई बता नहीं रहा यार, आज तुम लोग सब सो रहे हो क्या? थक गए हो क्या सब लोग पढ़ पढ़ के? इशिका, मधुजा, मरूल, मयंक, मुस्कान, परी, नहीं सर आज नेटवर्क का थोड़ा इशू है तो आज वीडियो ऑन नहीं कर पाई। अच्छा अच्छा, बार-बार डिस्कनेक्ट कर दो। चलो देखो स्टेप्स फॉलो करते हैं इसमें, ठीक है? Usually the two blocks or wedges are in contact. Find the component of accelerations of the blocks or wedges in a direction perpendicular to the contact surface. ठीक है, इसमें ना एक गड़बड़ हो गई मुझसे। ये एक्सेलरेशन है, हाँ, दिस इज मूविंग विथ ए नॉट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालना है हमको, ठीक है? तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ये ए नॉट को पकड़ो। तो ये ब्लू वाले का हम ब्लू से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? ब्लैक वाले का ब्लैक से ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया तुम्हारा ए नॉट डाउनवर्ड्स। इसका मुझे कंपोनेंट कहाँ चाहिए? परपेंडिकुलर टू द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया और एक कंपोनेंट इधर आया, बोलो हाँ या ना जल्दी से। यस सर। कोई नहीं बोल रहा है यार, कैसे बच्चे हैं? yes, हाँ, ए नॉट कॉस थीटा और इधर आया ए नॉट साइन थीटा, ठीक है? ये तो हो गया इसका। अब इस ब्लैक वाले की बारी आई, तो ब्लैक वाले का जो एक्सेलरेशन है वो इधर है ना? ए, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, तो दिस इज ए, राइट? इसका जो आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा इधर एक कंपोनेंट इसका, और वो कितना होगा? दिस इज थीटा, ये होगा ए साइन थीटा, हाँ या ना? और दूसरा एक कंपोनेंट आएगा इधर, वो होगा ए कॉस थीटा। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया है ये, बोलिए सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्या बोला था उसने? रिलेटिव एक्सेलरेशन। फाइंड द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स और वेजेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0, है ना? तो आइए देखते हैं। तो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा हुआ बेटा? इसके परपेंडिकुलर, मतलब ए नॉट कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा ये? रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी ए साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा। This should be equal to 0 because both of them are at the same direction. That's why the relative acceleration is this, right? So value of a is what? It's a naught cos theta over sin theta, and this is a naught cot theta. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लिख लो 1 मिनट में इसको। Done, sir. Okay. All of you done? चलो, सभी का हो गया। एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? चलो करके दिखाओ मुझे। एक ठीक है, और ये स्ट्रिंग का एक एंड यहां फिक्स है, और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग का पार्ट है ना, और यहाँ पर एक पुली है, दो पुली है। एक पुली फिक्स है, आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर वाली, और दूसरी पुली ये है। ठीक है, और ये इधर आया। ठीक, इस ब्लॉक का मास 5 kg है, इस ब्लॉक का मास 2 kg है। ऑल ऑफ यू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। Please do it. हो जाए तो मुझे बताओ। 2 मिनट 3 मिनट है तुम्हारे पास, करो। हाँ भाई करिए। ये हो गया फर्स्ट वाला। हेलो मधुजा, मरूल, इशिका, मुस्कान। मुस्कान आज क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं करी तो आज। परी, डन ऑल ऑफ यू। सर मेरा नेट बीच बीच में गायब हो जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आज सबका नेट गायब हो रहा है। देखो इधर इशिका, कोई आंसर आया बेटा? इशिका, मरूल, कोई आंसर आया बेटा? ट्राई कर रहा है। परी, ओ परी, परी परी परी, इसको भी सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज। मयंक, यस सर, ट्राई नहीं आ रहा। अरे इसको सॉल्व करो ना भाई, ये सब सवाल नहीं होते तुम लोगों से। देखो इसको फ्री बॉडी डायग्राम, 5G 2G, ये T1 सेम स्ट्रिंग है, ये T1 ये T1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये T2 अपवर्ड्स और ये T2 डाउनवर्ड्स। ये T2 किसके लिए ड्रॉ किया है? इसके ये पुली के लिए। टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, जिसके लिए भी ड्रॉ किया है। तो सपोज दिस ब्लॉक इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन A1, वी विल अज्यूम दैट दिस ब्लॉक मे मूव अपवर्ड्स विद एन एक्सीलरेशन A2। चलो मयंक, टेल मी द फोर्स डायग्राम फॉर दिस ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक। चलो बताओ, सॉरी फोर्स डायग्राम बोल रहा हूँ, फोर्स इक्वेशन। मयंक जी, मयंक गजब हाल है यार, बताओ। यहाँ सिखाना चाह रहे हैं, तुम सीखना नहीं चाह रहे हो। हेलो सर, सॉरी नेटवर्क। तुम पहले वीडियो ऑन करो पहले अपना सब। यार तुम लोग गाँव आओ रहते हो क्या बे? नेटवर्क तो पता नहीं। मैं दिन में साले रोज 5-6 क्लास पढ़ाता हूँ, 6-7 क्लास। मेरा एक आध महीने में 2-1 बार नेटवर्क खराब होता होगा मेरा। तुम लोग बहुत खराब बच्चे हो यार। चलो बताओ इसका नेट फोर्स डाउनवर्ड्स 2 kg ब्लॉक का। मयंक कुमार, हाँ सुना, हाँ हाँ क्या बता बे? सर F इज इक्वल टू, हाँ डाउनवर्ड नेट फोर्स। बोल, म्यूट कर दिया तूने। 2A। अरे भैया नेट फोर्स डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नेट फोर्स। मरूल बाबू बताओ जरा। 2G minus T1, हाँ 2G minus T1 ये नेट फोर्स हुआ मयंक इज इक्वल टू 2A। समझा बेटा, नेट फोर्स डाउनवर्ड्स। चल पुली के लिए बता नेट फोर्स अपवर्ड्स कितना होगा इस पुली के लिए? तो इसके लिए होगा 5G। अरे महाराज पुली पे देखो कौन कौन फोर्स लग रहा है, कौन कौन लग रहा है, T1 अपवर्ड्स, T2 डाउनवर्ड्स। तो ये हुआ 2T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि मास ऑफ पुली 0 है। समझा? हाँ यस। चल अब 5G के लिए बता अपवर्ड्स, अपवर्ड्स नेट फोर्स 5G के लिए T2 हो रहा है, T2 माइनस 5G, नीचे भी तो कुछ लग रहा है, इज इक्वल टू 5A। ऐसे करना है इसको। अब इसको सॉल्व करना है सबको। ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर मुझे A नहीं लिखना है, A1 लिखना है और यहाँ A2 लिखना है। ठीक है, अब देखो एक और रिलेशन चाहिए बिकॉज देयर इज अ मूविंग पुली सिस्टम, सो वी विल नीड अ कंस्ट्रेंट रिलेशन, राइट? तो कंस्ट्रेंट कैसे लिखेंगे वो देखना है। आप इसमें किसी को डाउट है क्या, ये इक्वेशंस में, डायग्राम में? हेलो, नहीं है। तो ये हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक, ये पुली और ब्लॉक एक साथ ही मूव करेंगे इसलिए इसको एक ही मान लेते हैं, या दो मान लो, चलो करने के लिए दो मान लो। There are 3 moving objects, right? This is say X2 block, XP पुली का हो गया रेड ये वाला, और ये X1 हो गया। There are 2 strings now. One string is this one. All of you, please pay attention. One string is this one. ये length को negligible मानना क्योंकि पुली का dimension हम negligible मानते हैं string के length के respect में। ठीक है, तो कितना हो गया ये length हमारा? L1 is equal to 2xp plus x1. I hope all of you understood this. और ये छोटा वाला जो L2 है इसका क्या होगा भाई? ये जो छोटा वाला L2 है इसका क्या होगा? ये लेंथ दिस विल बी, बोलो रे बच्चों, L2 is equal to x2 minus xp. So we will now differentiate it twice. So x1 is increasing or decreasing? It is increasing. So it will be a1 plus xp is increasing or decreasing. When this pulley will go up, xp is decreasing. So it is minus 2ap is equal to 0. In this case, it's a2 is increasing or decreasing? Decreasing, right? So this is minus a2. Pulley is increasing or decreasing? Decreasing. So this is minus of minus AP equal to 0. तो यहाँ से हमको मिला A1 is equal to 2A2. ये आप लोगों को constraint समझ में आया या नहीं आया सबको? हेलो 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 हेलो, जागो रे बच्चों। इशिका, मुस्कान, परी, मधुजा, मरूल, कोई हाँ ना कुछ नहीं बोल रहा है यार, कैसे बच्चे हैं यार ये लोग। ओ परी, चलो। Yes, sir. तुम सो रही हो क्या? नहीं सर। फिर आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? तो A1 इज इक्वल टू 2A2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ रख दो A1 की जगह 2A2, तो ये आ गया मेरे पास। और T2 इज इक्वल टू 2T1 है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2T1 माइनस 5G इज इक्वल टू 5A2। और ये यहां से क्या आएगा? यहां से क्या आएगा? 2G माइनस T1 इज इक्वल टू 4A2। ठीक है, अब मेरे पास 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन उठा लो। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऐड कर सकते हो क्या इसको? नहीं कर सकते। ये 2T1 है, ये सिर्फ T1 है। तो क्या करोगे पता है तुम? इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखो क्या आया वो। इट इज नाउ व्हाट? 2G माइनस 2T1 इज इक्वल टू 8A2। अब इसको ऐड करेंगे, जब ऐड, हाँ हाँ 4G होगा सर। क्या बोल रहे हो? 4G, हाँ 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 4G। 4g। तो अब ये आ गया तुम्हारे पास -g = 13a2 और a2 = -g/13। सिंपल है। a1 क्या आ जाएगा भाई, a1 क्या आ जाएगा भाई 2a2। तो ये हो गया -2g/13। समझ आया नहीं आया? हेलो। दोनों का डायरेक्शन एक्सीलरेशन का ऑपोजिट है, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, ये नेगेटिव साइन ये दिखाता है। किसी को कोई डाउट? चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। तुम लोग इतने मतलब ऐसा तुम लोग का उधड़ा हुआ है क्या ये लॉज ऑफ मोशन? मैं तो सोच रहा था ये तुम लोग को आता होगा बे, हैं? चलो इसको करो जल्दी से। इसमें ये एक्स्ट्रा फोर्स F = mg एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाले डायग्राम में। जो राम कुल अरे हुआ नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ तुम लोग यार, क्या हो गया है आज तुम लोगों को, सब ढूस पड़े हुए हो। मयंक, मुस्कान, मरूल, देखो चार पांच लोग तो गिर ही गए आज। विकेट हमारा 3 विकेट बचा है बस, एमएमएम बचा हुआ है बस। मुस्कान, मरूल, मधुजा, इतना नेटवर्क खराब है क्या आज सबका? मरूल हुआ बेटा? दूसरे कर रहा हूँ सारे एक साथ। ये फर्स्ट, ये तीनों पार्ट हो गए ये वाले? नहीं सर, एक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा करो। जो राम को लाए हैं मुस्कान, मधुजा, मरूल, मयंक, हुआ बेटा? नहीं हुआ? मरूल हुआ बेटा? देखो ये एमजी नीचे, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगी रहा है यहाँ पे, टेंशन टी अपवर्ड्स, यहाँ टेंशन टी अपवर्ड्स, यहाँ एमजी नीचे, राइट। अब क्या आएगा, जिस एक्सीलरेशन से ये नीचे जाएगा उसी से ये ऊपर जाएगा। तो इसके लिए फोर्स इक्वेशंस क्या क्या हैं देखो, तो मैं ये हटा देता हूं है ना। चलिए देखिए, तो ये आया 2mg - t = m into a। उसके लिए आया t - mg = m into a। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा mg = 2ma। तो एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में आया g/2। मरूल भाई समझ आया नहीं आया ये? अब ये इसकी बात 2mg, mg, यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t, यह एक्सीलरेशन a2, यह एक्सीलरेशन a2, यह आएगा 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2m इंटू a2, वो आएगा t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a2। ऐड कर दो दोनों को, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो mg इज इक्वल टू 3m इंटू a2। सो व्हाट इज a2? इट्स g बाई 3। अब इसके लिए जो ये फोर्स लग रहा है ये सब जगह लगेगा। टेंशन T इज व्हाट? 2mg ओनली, तो दिस इज 2mg माइनस mg इज इक्वल टू ma, सो एक्सेलरेशन a इज g। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। भाई समझ आया नहीं आया? जल्दी बता दो यार, जल्दी से। yes. yes. चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब काम करते हैं फ्रिक्शन। मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्या फ्रिक्शन तुम लोगों को? बोलो, फ्रिक्शन पढ़ाना पड़ेगा क्या मुझे? एक बार एफएस मैक्स वाला कॉन्सेप्ट समझा देना। चलो समझा देते हैं, आओ। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फ्रिक्शन। देखो ये कहानी है, इसको एक बार लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिख लो इसको, एकदम 2 मिनट दे रहा हूं लिखने के लिए। फटाफट लिखो कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम, फिर बाकी सब सिखाता हूँ। आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? दूसरा नहीं किया क्या? इट्स ओनली वाइट स्क्रीन। करो क्या? नहीं हूँ विजिबल में। नो, आई एम सेइंग इट्स विजिबल नाउ। अच्छा, मैं 2 मिनट में लॉग इन कर रहा हूँ वापस। हाँ भाई, हेलो, लिख लिया? मरूल, मुस्कान, जस्ट अ सेकंड, मेथड टू लिख। हाँ, लिखो 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 लिखो। चलो चलो, अब देखो यहाँ पर मरूल तुमको क्या सीखना है बेटा इसमें? सपोज करो एफ एस मैक्स, तो मतलब लिमिटिंग केस में एफ एस मैक्स लगता है, बाकी नॉर्मल केस में नहीं लगता है ना। जब मूव करता है तो एफ के लगता है, ठीक है। देखो फ्रिक्शन आता क्यों है? फ्रिक्शन आता है यहाँ पर कि भाई देयर इज इंटरलॉकिंग बिटवीन द और इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग और इंटरलॉकिंग, तो दिस इज द रिएक्शन फोर्स, राइट। इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन और एक होता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये होता है लैम्डा, ये होता है फ्रिक्शन और ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। ये जो लैम्डा होता है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन विच अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। जाके देख लो इसका वीडियो अगर नहीं समझ में आता है तो। एफ एस मैक्स से कम होता है और जीरो से ज्यादा होता है, बराबर या ज्यादा। वैल्यू ऑफ एफ एस मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू एस। क्लियर? सो दिस इज एफ एस मैक्स। एफ के जो होता है वो एक ही होता है और उसकी वैल्यू होती है म्यू के टाइम्स एन। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन, वेयर व्हाट इज म्यू के एंड म्यू एस? दे आर कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। एंड दिस अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। मरूल भाई, ये याद आया नहीं आया तुमको? यस सर, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, चलो एक एग्जांपल देखते हैं पहले, ठीक है। ये ब्लॉक है एंड दिस ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स राइट along this direction, right, making an angle theta with the horizontal, ठीक है। now weight mg है, normal reaction n है, ठीक है। और यहाँ पर the coefficient of friction between these two, the block and the surface is mu। बोलता है find the minimum value of capital F for which the block starts slipping, ठीक है। आइए तो क्या करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले we will resolve the forces। This is capital F, this is F sin theta, So this is f sine theta. This is f cos theta, right? Now, force in the vertical direction is n plus f sine theta minus mg is equal to 0. So normal reaction n is equal to what? It's mg minus f sine theta. Clear? Yes. And horizontal direction में क्या force आ जाएगा? इधर आया है तुम्हारा f cos theta, इधर आएगा friction. Limiting case में this should be equal to fs max. So the value of fs max is what? Is mu times normal reaction, which is mg minus f sine theta. Under limiting case, f cos theta, that is the horizontal pull, minus fs max is equal to 0, right? So this is f cos theta minus mu mg minus f sin theta is equal to 0. Marul, समझ आया नहीं आया? Yes, sir. So the value of f is what now? It's mu mg upon mu sin theta प्लस कॉस थीटा. ठीक है, ये आएगा. पर अभी भी ये f की वैल्यू है. उसने क्या बोला है? मिनिमम वैल्यू ऑफ f. तो f मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा. क्लियर है? हेलो. f इज मिनिमम व्हेन, देखो ये सवाल कितना आसान लग रहा था, है ना? व्हेन डिनोमिनेटर is maximum. ठीक है, तो अब d क्या है भाई? देखो d क्या है? d is mu sin theta plus cos theta. तो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाई है तुम लोगों ने, इसको डिफरेंशिएट करो. तो ये हो गया mu into cos theta minus sin theta is equal to 0. So now you get tan theta as mu, and obviously mu is less than 1. तो थीटा tan थीटा, जो थीटा जो है ये एक्यूट एंगल आया है ना. चेक कर लो इस थीटा के लिए ये क्या बोलते हैं, डी डबल डैश नेगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा. तो ये कितना आया? माइनस म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. सिंस थीटा इज लेस देन 90, देयरफॉर डी डबल डैश इज नेगेटिव फॉर थीटा एज tan inverse of mu. I hope all of you understood this. Yes or no? Hello. Yes. So f minimum is now what? How will you find it now? F minimum. Substitute this value of theta here. So it is mu mg upon mu sin theta. Tan theta क्या है? mu है. तो sin theta क्या हो जाएगा? mu upon root of 1 plus mu square plus cos theta क्या हो जाएगा? 1 upon root of 1 plus mu square. So this is mu mg into upon under root of 1 plus mu square. ये आंसर आएगा. बोलो समझ आया नहीं आया? जल्दी से. हेलो. Yes, sir. मधुजा को समझ में आया या नहीं आया? ये सर ये sin theta mu by 1 plus कैसे आया? अच्छा देखो, ये है तुम्हारे सामने. ये थीटा है अगर, तो ये tan थीटा क्या हुआ? mu by 1 हुआ. ये आया नहीं आया? अच्छा अब बताओ, इसको समझाना पड़ेगा मुझे. नहीं मरुल भाई, समझ आया नहीं आया तुमको? यस सर. मयंक, मुस्कान? यस सर. चलो करो. हाँ भाई, हो गया नहीं हो गया? हेलो हेलो, चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, फ्रिक्शन का करो, करके दिखाओ मुझे, ठीक? सब म्यूट हो गई। सर डू दिस 24th क्वेश्चन एंड 29th। ठीक है, 24th क्वेश्चन का डायग्राम ये वाला है और 29th तो अलग से दे रखा है ना? करके दिखाओ मेरे को जल्दी से। ये मुस्कान, आज कोई आंसर नहीं आया तेरी तरफ से बेटा, कल तो तू खूब जवाब दे रही थी मुझे। करो करो जल्दी करो फटाक से। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। करो भाई जल्दी बाकी सब। सर 29 वाला हुआ है, फिर 24 वाला नहीं हुआ है। हेलो सर, हाँ भाई 29th वाला हुआ है, 24th वाला नहीं। 29th हो गया हाँ सर, और 24th नहीं हुआ। नहीं ये कैसे विचित्र स्थिति है। ये तो 24th नहीं हो, 24th होता था, 29th नहीं होता था। कोई बात नहीं, देखो क्या बोलता है ये। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स, पहले तो ये हटा देते हैं ना। देखो भाई क्या बोल रहा है ये, सब लोग देखेंगे भाई। यहाँ पे फोर्स आया, इधर टेंशन टी, इधर फ्रिक्शन एफ। मैक्सिमम लगेगा एफ एस मैक्स, क्योंकि लिमिटिंग केस है। और ये नीचे वाले ब्लॉक पे टेंशन टी फॉरवर्ड, फ्रिक्शन बैकवर्ड। ठीक, फ्लोर इज स्मूथ, राइट? So this F is, the value of Fs max is how much? It's mu mg. It's mu mg. Understood or not? Hello. अरे मधुजा समझ आया बेटा? नहीं आया? ये छोटा वाला ब्लॉक है, इसमें Mg नीचे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, टेंशन फॉरवर्ड आएगा, फ्रिक्शन बैकवर्ड आएगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू Mg हो गई ना। यस। अब ये कहता है कि भाई हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, मिनिमम फोर्स टू मूव इट, तो F minus T minus Fs max that is mu mg is equal to small ma, और ये क्या हो जाएगा T minus Fs max that is mu mg is equal to capital ma। तो मधुजा जी समझ आया आपको कि नहीं आया है? समझ आया सर। हाँ जी समझ आया है सर। आया है ना? हाँ जी सर। तो ये कह रहा है कि What maximum without doing disturbing the equilibrium of the system। तो ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, इक्विलिब्रियम में है ना, तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो यहाँ से क्या आ गया, फोर्स F की वैल्यू आ गई 2 μmg। क्लियर है ये? यस सर। बस दूसरा कर लोगी तुम कि मुझे ही करना है मधुजा जी? नहीं, दूसरा मतलब सेकेंड पार्ट इसका। अच्छा सेकंड बार मैं ट्राई करती हूँ। हाँ करना ट्राई, ठीक है। ये 29th वाला बताना है मुझे क्या मुस्कान? मरूल? अच्छा बताना है 29th वाला। चलो देखो, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। बोलता है यार 2 kg ब्लॉक इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। तो देखो ये 2 kg ब्लॉक है, ये वॉल ले लो, ठीक है, और इसमें क्या बनाया ना, इसमें बना दो एक 2 kg ब्लॉक। I hope all of you understood this 3D diagram। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इस वॉल को हमने पुश किया है, इट्स पुश्ड अगेंस्ट रफ वर्टिकल वॉल विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। तो फोर्स जो है वो 40 न्यूटन का ऐसे लग रहा है। क्लियर है मधुजा? यस सर। ये 40 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है। अब बोलता है दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 0.5, राइट? तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.5। वेट कहाँ लगेगा? वेट विल एक्ट डाउनवर्ड्स, राइट? तो 20 न्यूटन का जो फोर्स है, 2g फोर्स जो है वो डाउनवर्ड्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, बोलता है अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। तो 15 न्यूटन का फोर्स कहाँ अप्लाई हुआ? 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ इस डायरेक्शन में। देखो हॉरिजॉन्टल, यही होगा ना हॉरिजॉन्टल, वॉल के पैरेलल इधर। मधुजा जी समझ आया नहीं आया आपको? नहीं सर। हाँ जी समझ आया सर। समझ आया है ना, वेरी गुड। तो अब एक बात बताइए, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है इसका? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन N विच इज हाउ मच? ऑफ कोर्स 40 न्यूटन, है ना। अब देखो ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये देखो अब फ्रिक्शन इधर लग रहा है, सॉरी फोर्स F1 उधर लग रहा है, राइट। बहुत सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम फ्रिक्शन Fs max is equal to what? Mu into normal reaction। What is mu? Mu is 0.5। What is normal reaction? 40 न्यूटन। तो ये हो गया तुम्हारा 20 न्यूटन के आसपास फ्रिक्शन हो गया। अब देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं जो इस ब्लॉक को मूव करवा सकते हैं, एक ये ग्रीन कलर वाला और एक ये 15 न्यूटन रेड कलर वाला। यस और नो? Yes. मेरे प्यारे बच्चों, yes, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कहाँ आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आएगा यहाँ कहीं, ठीक है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। यस और नो? इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, इट इज ऑन द सेम प्लेन एज दैट एफ एंड डब्ल्यू, F1 and W, right? I will draw that plane for you. This is the plane on which this R is acting. Yes or no? Yes. Now the value of this R is how much? The value of this R is root of 15 square plus 20 square, which is root of 225 plus 400, which is root of 625. This is 25 Newtons. Yes or no? Hello. Yes, yes. So this is the net force, right? And I have written it as R, the resultant force, right? Now, is it greater than maximum friction? Check. 20 Newton से बड़ा है ना ये? Yes. ये जो है 25 Newton, 20 Newton से बड़ा है। तो अब ये कहाँ चल पड़ेगा कि नहीं? ये ब्लॉक बिल्कुल चल पड़ेगा। कहाँ जाएगा ये ब्लॉक? तो देखिए फ्रिक्शन लगेगा इधर, ठीक है, आर के ऑपोजिट, इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ F1 एंड W, राइट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ Fs max. So it will go along the direction of resultant force, which is making an angle. What angle? So let's, this angle is phi. So tan phi is how much? So tan phi is, how much is this tan phi? (20/15). Understood or not, all of you? Yes, sir. Yes, anybody sir. Is having any doubt? Please ask. Done? Understood? I hope all of you understood it. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chaliye. So that's all for today's session. Okay. आज के लिए इतना ही करते हैं. Tomorrow we will not do. अच्छा कल Sunday है ना? कल Sunday है. कल का मैं तुमको बताता हूँ. एक्चुअली कल एक मेरा वर्कशॉप है, तो कल तो फिर 8 बजे भी क्लास नहीं होगी. कल का एक बात बताओ, क्रैश कोर्स वाली क्लास को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं क्या? कैन वी स्टार्ट द क्रैश कोर्स क्लास एट 9:30 टुमारो? संडे है ना कल? कल मैं नहीं आ पाऊंगी। कल तुम क्यों नहीं आ पाओगी देवी? सर मेरा मंडे को पेपर है, तो मतलब हम लोग सब कोचिंग पे रहेंगे, मतलब 7, 7:30 तक तो कम से कम। मैं 9:30 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम देख लो, मतलब कोई जरूर वो नहीं है। सर्कुलर मोशन करवाऊंगा कल मैं, है ना? Okay. देखो सर्कुलर मोशन का तुम अगर सवाल भी देख लो, रिकॉर्डिंग भी देख लोगी ना, तो भी वो बहुत है वो, ठीक है? और सब रिकॉर्डिंग का एक्सेस है तुमको, है ना? तुमको एक्सेस देखा है ना तुमने? यस सर। हाँ, वो रिकॉर्डिंग देख लो, मत आओ, आज ही बैठ के देख लो, तो कल का तुम्हारा काम हो जाएगा। कल आराम से, परसों पेपर है तुम्हारा कंप्यूटर का। हाँ, तो कंप्यूटर की तैयारी करो, वो भी जरूरी है ना? करो, तो मत आओ। कल 9:30 रखने का सोच रहा हूँ मैं, तो आई विल गिव यू बज, मतलब मैं टेक्स्ट करूंगा सबको अगर चेंज है, क्योंकि कल ना एक वेबिनार रख लिया गलती से, वो टाइम 8 बजे रखा गया है, उसको बदल नहीं सकते क्योंकि सबको इन्फॉर्मेशन चली गई है, ठीक है? Okay. चलो बाय, टेक केयर। इसके प्लीज 50-50 क्वेश्चन मरूल भाई सॉल्व कर लेना यार, प्लीज, है ना? मरूल, मयंक, मधुजा, क्वेश्चन सॉल्व कर लो बेटा प्लीज यार। Yes. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।